क्या आप एक ऐसे यूट्यूबर को जानते हैं जो पूरे यूट्यूब को खरीदने की हैसियत रखता है? या फिर रबर से पहले पेंसिल का लिखा किससे मिटाया जाता था? और इंडिया का एक रॉ एजेंट जिसे ब्लैक टाइगर कहा जाता था, और वो कौन था और उसे क्यों ब्लैक टाइगर कहा जाता था? ऐसे धांसू तथ्यों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बस पूरा एंड तक देखिएगा। तो हाय, हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल सस्ता ज्ञान में। नंबर 15। ये तो आपको पता ही है कि दुबई में लगभग हर कोई अमीर ही है और सबके पास महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं और उनके गैराज में पड़ी पड़ी धूल भी खा रही होती हैं। लेकिन दुबई में मैकडोनल्ड्स की डिलीवरी के लिए भी फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कार्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आप मैकडोनल्ड से बर्गर मंगा रहे हैं तो वो आपके पास फरारी और लैम्बोर्गिनी में आएगा। नंबर 14। एक ऐसा यूट्यूबर जो कि खुद पूरे यूट्यूब को खरीद सकता है, ऐसा कौन हो सकता है? सोचो सोचो, छोड़ो, ज्यादा ना सोचो, वो बिल गेट्स है। क्योंकि उनका ना यूट्यूब पर एक अकाउंट है जिसपे 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो इतने अमीर हैं कि खुद पूरे यूट्यूब को एक बार में खरीद सकते हैं। नंबर 13। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था, सब जानते हैं, और दूसरा भी उन्होंने ही रखा था। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के बाद जो व्यक्ति चांद पर उतरा था उसने इतिहास रच दिया, और ये पूरी दुनिया के सबसे पहले और इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर सबसे पहले सुसु की, और इनका नाम बुज एल्ड्रिन है। और हाँ, अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि सर्दियों में ही बार बार सुसु क्यों लगती है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ऊपर देखो, राइट कॉर्नर पर आई बटन बन के आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 12। जुपिटर का चांद गैनीमेड, जो कि धरती से छोटा है, लेकिन फिर भी इस पर धरती के मुकाबले 30 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। मुझे तो लगता है कि यार वहां पे जीवन की संभावना होने के बहुत चांसेस हैं। नंबर 11। सन 1770 से पहले पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए रबर का नहीं, ब्रेड का प्रयोग किया जाता था। हाँ, वही खाने वाली ब्रेड की ही बात कर रहा हूँ मैं। और रबर का उपयोग पहली बार एडवर्ड नारने ने किया था, बस तभी से रबर का यूज किया जाने लगा है। सोचो यार, कितना अजीब लगता ना जब छोटे बच्चे स्कूल में पेंसिल के साथ एक ब्रेड का पैकेट ले जाते कि हाँ अभी एक गलती हुई है, चलो एक ब्रेड निकालो और रबर से साफ करो। नंबर 10। क्या आप कोइंसिडेंसेस यानी कि इत्तेफाक या फिर तुक्के में ट्रस्ट करते हो? शायद नहीं करते होगे, लेकिन एक बार साउथ अफ्रीका को 11-11-11 यानी कि 11 नवंबर 2011 को 11:11 पर 111 रन की जरूरत थी और उनका सिर्फ एक ही विकेट गिरा था, और ये क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा इत्तेफाक था। अगर सारे एक को एक साथ रखा जाए तो एक 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 ऐसे करके ना 14 बार एक लिखा जाएगा। नंबर 9। अभी आसमान में कितने बादल हैं आपको पता है? मुझे भी नहीं पता, पर हाँ एक बादल का वजन कितना होता है ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। अभी आप आसमान में जितने भी बादल देख रहे हो, हर एक का वजन 5 लाख किलो यानी कि एक हवाई जहाज या फिर 100 हाथियों के बराबर है। इसीलिए जब बादल फटते हैं ना तो बहुत तगड़ी तबाही मच जाती है, जैसा कि हमारे केदारनाथ में हुआ था। नंबर 8। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और इसके शिखर पर लगे हुए झंडे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये हमेशा हवा से उल्टी दिशा में ही लहराते हैं। यानी कि अगर हवा पूरब से पश्चिम को चल रही है तो झंडे पूरब की ओर लहराएंगे, और ये जो स्क्रीन पर आपको इसके ऊपर लगा चक्र दिख रहा है ये सुदर्शन चक्र है, और इसे आप किसी भी दिशा से देख लीजिए, ये हमेशा आपकी तरफ ही मुंह करा हुआ लगेगा। नंबर 7। दुनिया की सबसे पहली दूध की डेयरी सऊदी अरब में खोली गई थी, और क्या आप सोच सकते हो कि किसका दूध बेचते होंगे? गाय का? नहीं, भैंस का? नहीं, ये तो ऊंट का। हाँ, वही रेगिस्तान का जहाज जिसे बोला जाता है, वही ऊंट यानी कि कैमल का दूध बेचते थे। नंबर 6। अमृतसर के प्रसिद्ध गोल्डन टेंपल के लंगर में हर रोज लगभग 1 लाख लोग खाना खाते हैं, और इसमें तथ्य तो ये है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री किचन है जहाँ पैसे नहीं लिए जाते और बिना किसी भेदभाव के सबको खाना खिलाया जाता है। नंबर 5। दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप 1981 में बना था जिसका नाम ऑसबॉर्न 1 था।
क्योंकि इसे एडम ऑसबोर्न ने बनाया था तो ये उन्हीं के नाम पे पड़ा था। और इसकी रैम पता है क्या थी? दरअसल ना इसकी रैम सिर्फ, ध्यान से सुनना, सिर्फ 64 KB। हाँ, एकदम सही सुना है आपने, KB यानी कि किलोबाइट्स ही थी दुनिया के पहले लैपटॉप की रैम। 64 KB, 64 KB, क्या होता है यार आज के जमाने में। रैम से मुझे याद आया, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें दुनिया के सबसे पहली हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, जिसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा था। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आ रहे राइट साइड में आई के बटन पर क्लिक करिए और वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो के बाद में नंबर 4, 1978 में एक भारतीय पति स्वीडन में रह रही अपनी पत्नी से मिलने 4 महीने की लंबी यात्रा करके गया था। अब इसमें मजेदार बात तो ये है कि वो साइकिल से गया था और उसे इस यात्रा के लिए 8 देशों से गुजरना पड़ा था। ये होता है सच्चा प्यार। नंबर 3, ओलंपिक खेलों में जो घोड़े भाग लेते हैं, यानी कि जो घोड़े पार्टिसिपेट करते हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होगा कि इनकी लाइफ कितनी धांसू होती है। ये घोड़े ना बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, और तो और इन घोड़ों पे खुद का पासपोर्ट भी होता है। आपके पास है क्या पासपोर्ट? मेरा भी नहीं है, लेकिन इन घोड़ों के पास होता है। नंबर 2, 20 साल के नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में 88.06 मीटर दूर भाला फेंक कर अपना और भारत का नाम रोशन कर दिया। और इसमें तथ्य पता क्या है कि इन्होंने ये खेल, जिसे कि जैवलिन कहते हैं, पूरा YouTube की वीडियो से देख कर सीखा है। तो आपको भी YouTube को थैंक्स कहना चाहिए, काम तो आता है YouTube। जैसे कि मेरी इस वीडियो को देख के आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग पता लग ही रहा होगा। नंबर 1, इस इंसान का बचपन का सपना था बड़े होकर एक बहुत बड़ा थिएटर का एक्टर बनने का, और ये बने भी एक मशहूर कलाकार। 1975 में जब ये लखनऊ में एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे, तब रॉ के अधिकारियों को उनमें कुछ खास लगा और इन्हें रॉ के जासूस के रूप में पाकिस्तान भेज दिया गया। ये तो इतने टैलेंटेड थे कि ये पाकिस्तान की सेना में भी शामिल हो गए थे, और तो और ये मेजर के पद तक पहुंचने में सफल भी हो गए थे। इनका नाम रविंद्र कौशिक था और इन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को खूब सारी कीमती जानकारियां दी, जिसके कारण हजारों भारतीयों की जान हो सकने वाले एक भारी हमले से बच गई। इनके ऐसे कारनामों के चलते इन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा गया था। 1983 में एक दूसरे भारतीय एजेंट के कारण उन्हें पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। आखिरकार इनकी मौत जेल में ही हो गई, लेकिन पाकिस्तानियों ने इन पर बहुत टॉर्चर किया उगलवाने के लिए, पर इन्होंने देशभक्ति निभाते हुए अपनी जवान तक नहीं खोली और हंसते हंसते जान दे दी। सैल्यूट है ऐसे सिपाहियों को। वीडियो अच्छी लगी है ना तो यार बस लाइक कर दो, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और नया यूट्यूबर हूँ, सब्सक्राइब करके यार सपोर्ट भी करो, और वीडियो को ना एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।